नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शराब पीने गए युवक की गला रेत कर हत्या, हत्यारों ने लाश गंडक बराज में फेंका, बिहार के बेतिया की वारदात। बाजार से घर लौट रहे देवर भाभी सड़क हादसे का शिकार, हाईवा की ठोकर से देवर की मौत, झारखंड के खोरी महुआ की घटना। पंजाब के लुधियाना में सीएम अमरिंदर सिंह ने की ठाकुर सदगुरु उदय सिंह से एकांत में चर्चा, मीडिया में उड़ी खबर तो लगाए जा रहे कई कयास। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिन किसानों की जमीन लेकर करोड़ों रुपए की लागत से NMDC का स्टील प्लांट बनाया जा रहा है, उसी प्लांट से सटे गांव के किसानों के लिए नए मुसीबत खड़े होने लगे हैं। दरअसल प्लांट द्वारा बारिश के समय तालाब में स्टोर किए गए पानी को बाहर निकालने की कवायद हाल ही में शुरू की गई। प्लांट प्रबंधन यह भूल गया कि ये पानी प्लांट से लगे खेतों में पहुंच जाएगा जहां धान की फसल पक कर तैयार है। इसके चलते प्लांट से 8 किलोमीटर के दायरे में किसानों की करीब 500 एकड़ फसल पूरी तरह से खराब हो गई और इससे प्रभावित लगभग 300 किसानों के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई है। अपने जी तोड़ मेहनत के फसल को बर्बाद होता देख किसानों के सामने अब अपने परिवार के साथ भूखे मरने की नौबत आ गई है और किसानों ने उनकी इस हाल के लिए नगरनार में निर्माणाधीन NMDC स्टील प्लांट के प्रबंधन को ठहराया है। किसानों का कहना है कि वे बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर जैसे तैसे अपनी खेत में धान लगाए थे और जब धान पककर तैयार हुई तो उसी वक्त प्लांट प्रबंधन ने उन्हीं खेतों में अपने स्टोर किए गए पानी को छोड़ दिया। नतीजतन उनकी धान भीग कर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनकी इस धान को ना ही लेम्स वाले लेने को तैयार हैं और ना ही ये खाने योग्य बची है। ऊपर से बैंक से लाखों रुपए का कर्ज ले लेने से अब किसानों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी मैं तो 3.5 एकड़ में लगाया। अच्छा, क्या ये खराब हो गया? पूरा खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? वो NMDC जबकि धान पका रहा और पानी छोड़ दिए। अच्छा, तो पानी पूरा डूब गया रहा धान, इसीलिए पूरा धान खराब हो गया। तो उन लोग जब धान फका रहा और उन लोग छोड़ दिए पानी, पहले सूखा रहा। हाँ। तो अभी धान पूरा डूब गया, डूबने के बाद पूरा धान पका वाला धान पूरा खराब हो गया। इससे पहले भी हुआ था क्या? हाँ, एक अगर पिछले साल भी। हाँ, कोई काम का नहीं है। अभी क्या करेंगे दादा, जो कुली बूती करके भी तो जीना का नाम। कर्जा कहाँ से चुका? और कर्जा भी बैंक से लिए है। कितना कर्जा है? मेरा तो 1,80,000 रूपया कर्जा है। 1,00,000 तो कहाँ चुकाएंगे दादा, पूरा तो डूब गया। तो कैसा करोगे? ये वाला धान को अगर लेन से ले जाएंगे तो लेन से वाला भी नहीं लेगा। ये फसल कोई काम का नहीं है? कोई काम का नहीं है। अभी हमारा ये कहना ये है कि जो NMDC हम पानी बर्बाद किया है, हमको मुआवजा दे या बैंक का हम कर्जा उठाए, नहीं तो बैंक कर्जा हमको माफ किया जाए। कर्जा लिया इनका उड़ गया, खराब हो गया, कैसा करेंगे? तो कुछ ना कुछ NMDC वाला सहायता देगा तो तब तो कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं देने से जमीन बेच गिरी करना है, दे देना है, क्या करे? सरकार का लगा काय रहने से तो हमको कल के दिन में और बत्ती मारता है क्या? वो पहले बार से क्या दूसरा जमीन मेरा तो थोड़ा बहुत पटाया, अभी तो पूरा मेरा मोटा जमीन बर्बाद हो गया है। और 50-60 डिसमिल दूसरा जगह रहा तो डिस्काउंट कर दिया, ये भी तो मेरा मोटा जमीन गया है, कैसा करेंगे? ये तो मेरा पिछले नहीं पकड़ा तो ये धान को वापस ले जाओ बोला। आपको कुछ नहीं, बाद में पाची लेके आया था बाकी जो कैसा कैसा करके निपट लिया, वही तो हमारा समस्या है। अभी तो देगा तो मुआवजा देने से थोड़ा वही पसंद चाहते, हेल्प करने से तो NMDC वाला, नहीं तो वो आदमी बोला जमीन खरीद करके पटाना है। हम यहाँ पे तो कितना नुकसान हुआ होगा? 200 एकड़ कुछ होगा पूरा। ये 200 किसान का है फसल बर्बाद हुआ है यहाँ पे, और ये प्रक्रिया पिछले वर्षों से चल रही है। पिछले वर्ष भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था CMD साहब को, जिसमें हमने सजेशन दिया गया था कि साहब आप एक केनाल है इसका मरम्मत करवा के उस पानी को जो प्लांट का ओवर पानी है उसका आप नदी में डाइवर्ट करवा दीजिए। तो उन्होंने 2 महीना का आश्वासन दिया था कि ये हो जाएगा। फिर इस वर्ष इन्होंने जब खड़ी धान की फसल पे और कटी हुई धान की फसल जो थी पकी हुई उस पर पानी छोड़ दिया। अब ये धान ना तो खाने लायक है, ना इसे लेब्स में खरीदा जाएगा, और किसान कर्जदार हैं, कर्ज कहां से पटाएंगे, उनके पास मरने की स्थिति है। और जब आज इस बारे में EDC से मिलने गया तो उन्होंने मिलने का समय नहीं दिए, तो उनके PRO मिले, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था। इसका मतलब है कि NMDC सिंसियर नहीं है, ना तो लोगों को नौकरी दे रही है, ना काम दे रही है, और जो व्यक्ति अपनी मेहनत से फसल उपज जा भी रहा है उसे भी खत्म कर दे रही है।
लेकिन अभी जो मूल समस्या है ये पानी जो छोड़ रहा है एनएमडीसी, सतत प्रक्रिया चलते रहेगी, इसका समाधान नहीं हुआ तो अब इसके लिए वो उड़ादल में करेंगे, तैयारी कर रहे हैं क्या। तो सुनीत पार्टी आएगी इसमें, पानी इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी साथ भी लड़ेंगे, पार्टी से अलग होकर भी लड़ेंगे, जहां तक बल पड़ेगा हम उसमें करेंगे। के बाद एक कस्तूरी गांव भी आता है उधर, क्योंकि ये दो एरिया है, एक एरिया है जिसको गवार कहा जाता है, गवार जमीन एक एरिया है और एक कस्तूरी में है, वहां भी समावेश ही स्थिति है, वहां भी पानी भरा हुआ है, और वहां सरपंच से मैं मिलाऊंगा आप लोगों को, वहां भी पानी भरा हुआ है, वहां भी लोग बहुत परेशान है। इस मामले पर जब हमने एनएमडीसी के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने प्लांट के सभी मैनेजर बाहर होने का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वही किसानों की सरकार कहने वाली राज्य सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने भी इस मामले की जानकारी लगने के बावजूद किसानों की सुत तक नहीं ली। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भैड़ी साहब में ठाकुर सदगुरु उदय सिंह से मिले और आपस में 15 मिनट तक गुप्तगु हुई, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उनकी क्या बात हुई है। वहीं पर कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सदगुरु उदय सिंह से मिल रहे हैं तो शायद कोई माता चंद कौर हत्याकांड के बारे में कोई अहम खुलासा हो सकता है, मगर कैप्टन साहब अपने लाव लश्कर के साथ आए और 15 मिनट के बाद मीडिया को हाथ हिलाते हुए निकल गए। बिहार के शेखपुरा में सदर अस्पताल की दशा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीज जमीन पर बैठकर धरती के भगवान का इंतजार कर रहे हैं और फिर निराश होकर बिना इलाज कराए घर लौट जाना पड़ रहा है। खपुरा का लाइफलाइन माने जाने वाला सदर अस्पताल के रजिस्टर का आंकलन करें तो प्रतिदिन ओपीडी में 700 से 1000 मरीज का इलाज डॉक्टर करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर हकीकत की तहकीकात की गई तो हालत बिल्कुल अलग थे। जब एक मरीज से इलाज के बारे में पूछा गया तो उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। दरअसल वो बीते दो दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज अब तक नहीं हो सका है। पैर में दर्द है, खाली एक्सरा लिखे थे, कल भी एक्सरा नहीं हुआ, आज एक्सरा हुआ था, अभी तक डॉक्टर साहब बैठे नहीं। सबर नंबर में लगा है। सबर कल कब नंबर लगाया था? कल नंबर लगाया कल है, कल नहीं हो पाया, इसलिए आए भी आए तो आए अभी तक बैठे हैं। क्या कारण रहा कि नहीं हो पाया? डॉक्टर साहब हैं, एक बजते हैं तो चल जाते हैं, आज भी डेढ़ बजे तक रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, बोला कि दिखा दीजिए, देख लीजिए, तो बोला अपना सेकंड सीन में बैठिए, सेकंड सीन में बैठ लें। अभी भी लड़का को दिखाना है, उसका पेट दर्द करता है, कान से नहीं सुनता है, तो कान का तो इलाज ही नहीं है। सवेरे से आके बैठे हुए हैं, डॉक्टर कई बजे से आप यहाँ पर नहीं हैं? डॉक्टर तो 10 बजे यहाँ ही लिखी ना, तो फिर 1 बजे मैंने उसके बाद फिर नहीं आए। डॉक्टर्स तो अवेलेबल है, मॉर्निंग में भी है, अभी शिफ्ट में 3 बजे से ओपीडी चलता है, 3 बजे से ओपीडी टाइम 3 बजे से है, तो 3 तो अभी बजने ही वाला है, तो डॉक्टर वहाँ रहेंगे, लेकिन इमरजेंसी में हमेशा डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अपनी तरफ से मॉनिटरिंग आप लोग करते हैं? जी मॉनिटरिंग करते हैं। और अगर नहीं पाए जाते हैं ड्यूटी पर तो क्या? हम लोग आगे पदाधिकारी को सूचना देते हैं, CS को और DS को, फिर उन पर एक्शन लिया जाता है। ऐसा तो नहीं, मेरे हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कंप्लेन मरीज लेके नहीं आया कि कल से बैठे रहेंगे इलाज नहीं होगा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है कुछ नहीं कि कल से बैठे रहेंगे ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओपीडी में सुबह अभी तक 500-600 मरीज देखा जा चुका है। झारखंड में साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में आज JMM का कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास पर जोरदार हमला बोला। बरहेट विधानसभा हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन बरहेट विधानसभा के सभी कार्यकर्ता पहुंचे थे। राजमहल सांसद विजय हांसदा के अलावा युवा नेता आफिफ असमल भी मौजूद थे। वही हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ता को कहा कि 2019 के चुनाव में अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम रघुवर दास नहीं रघुवर विनाश होना चाहिए। 2019 में अगर JMM की सरकार बनेगी तो BJP के सारे मंत्री को जेल जाना पड़ेगा। 2019 में जब इस राज्य का आदिवासी का सरकार बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का 100 मंत्री जेल जाएगा। लोकसभा से विधानसभा ये लोग अखाड़ा भी खोले देंगे, इसी के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राज्यों में वहां की जनताओं का वहां के नागरिक का शोषण हो रहा है। हमारा
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल को रिहा करने की मांग अब बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में गुरुवार 23 नवंबर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गिरफ्तारी दी गई। इसी कड़ी में बुरहानपुर में जिला संयोजक प्रेमचंद नागराज एवं अन्य के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी से पूर्व कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और आलोक अग्रवाल को जेल से रिहा करने की मांग की एवं जमकर नारेबाजी भी की। तत्पश्चात पुलिस ने प्रेमचंद नागराज, रश्मि शेख, सुरेश चौक से बसंत पाटिल, विनोद शेख, वसीम आदि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हर वर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत महल गुल्हारा स्थित हजरत पांच पीर रहमतुल्ला का सदर शरीफ बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से निकाला। साथ ही अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर जियारत की। यहां उर्स मुबारक 23-24 नवंबर तक मनाते हैं और जाहरीन बड़ी तादाद में अपनी मन्नत लेकर आते हैं और दुआ मांगकर तबरूक तकसीम करते हैं। उर्स मुबारक मनाने के लिए सांडस, सारोला, नेवरी, देवरी, जैनाबाद, सिनखेड़ा सहित 50 से अधिक ग्राम पंचायतों से अकीदतमंद उर्स के मौके पर शरीक होते हैं। बिहार के गया को चिंतन, मनन और सृजन की नगरी कहा जाता है। इसी नगरी का एक बिजल कला साधक है रामचंद्र गौड़। स्वभाव से यह शांत और संकोची तथा माता पिता के इकलौते संतान हैं। रामचंद्र गौड़ एक मूर्तिकार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पूर्वज मूर्ति पत्थर को तराश कर बनाते थे, लेकिन यह लकड़ी से पूरे तौर पर गंधार शैली, यूनानी शैली तथा मथुरा शैली की बारीकियों को सीख कर बनाते हैं। उनकी इसी कला से अभिभूत हमारे संवाददाता ने उनसे बात कर उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और यहाँ पर रजत पदक मिला था बहुत दिन पहले 76 में बिहार सरकार से। और फिर इस धर्म ध्यान नहीं दे, फिर नौकरी लग गया तो नौकरी करने लग गए और नौकरी में क्या 15 साल का बैठा तो बाकी नहीं मिला पैसा 15 साल से। लकड़ी का भी बना रहा है? लकड़ी का बनाते मूर्ति ये मतलब कौन कौन भगवान का बनाते हैं? देखिए अपने जीवन काल में हम करीब करीब 80-85% बुद्ध भगवान का बनाए हैं। इसके बाद जो परसेंटेज बच गया उसमें सर जी कृष्ण भगवान का बनाए, गणेश जी का बनाए या और कोई देवी देवता जैसे उमा महेश्वर बनाए हैं, अर्धनारेश्वर बनाए हैं, आधा शंकर आधा पार्वती, शंकर बनाए उस बगल में पार्वती बैठी है और पार्वती गोद में गणेश जी बैठे हैं, ये सब बनाए हैं। आपकी मूर्ति कहाँ कहाँ जाती है? हमारी मूर्ति ज्यादातर बुद्ध का बिकती है, दिल्ली हम ज्यादा देते हैं। और एक मूर्ति क्या जगन्नाथ मिश्रा जी दिए थे, साथ बीबी गिरी थे राष्ट्रपति जी, हमारी मूर्ति नटराज दिया गया था और एक वही उमा महेश्वर। बिहार के बगहा के वाल्मीकि नगर में एक शख्स की किसी तेज धार हथियार से गला रेत हत्या कर दी गई और उसकी लाश गंडक बराज में फेंक दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फेंके गए शव को बरामद कर लिया है, जिसे पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडल अस्पताल भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के बाघा का रहने वाला बीरबल मजदूर था, जो शाम होते ही नेपाल की सीमा पार कर शराब पीने जाता था। गुरुवार की शाम भी वह साइकिल से नेपाल गया हुआ था, वह शराब पी कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान गंडक बराज के निकट अज्ञात लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीरबल की जब सांसें टूट गई तो हथियारों ने उसकी लाश बराज के नीचे फेंक दिया। लोगों की नजर दूसरे दिन जैसे ही लाश पर पड़ी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस लाश को बरामद कर हथियारों की पतासाजी में जुट गई है। लाश पड़ा रहा, खबर मिलल गए नहीं जाओ वहाँ से उठवा के अपन ले आके कहने की बघा ले जा हॉस्पिटल में अनुबंध लिए, बघा हॉस्पिटल में ले आके यहाँ रख ले बन जा पोस्टमार्टम करा देला। लाश थाना में थे तो बोला कोई पहचानने वाला कैमरा से फोटो खींच के ले गए तो ऐसा ऐसा आदमी है तो हम लोग थाना में गए। किसी से दुश्मनी उश्मनी नहीं ना थी? जी नहीं, दुश्मनी थी। मैंने कहाँ मिला उनका लाश पता चला आपको? लाश सूर्य नंबर पाया पर। अच्छा, बैरेज पर पाया पर मिला था? जी। नीचे ना ऊपर। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बालाजी वार्ड में पूर्व पार्षद पति ने संपत्ति के विवाद को लेकर पुरुषोत्तम बुरटकर ने अपनी भाभी शोभा बुरटकर की गर्दन पर पीछे से चाकू से हमला किया। हमले में भाभी गंभीर रूप से घायल है, जख्मी को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है संपत्ति विवाद के कारण यह घटना को अंजाम दिया गया। इस संदर्भ में आरोपी पुरुषोत्तम को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। चंद्रपुर शहर के अंतर्गत बालाजी वार्ड है, वहाँ पर शोभा चंद्रशेखर बुरड़कर रहती है और उनके घर के बाजू में उनके रिश्तेदारी पुरुषोत्तम उर्फ मुन्ना बुरड़कर रहते हैं। इन दोनों में बहुत दिनों से घर की जमीन के बारे में विवाद है, झगड़ा किया और शोभा बुरड़कर को चाकू से गले में रेत कर और बदन पे और इंजुरीज करके उसे जख्मी किया। शोभा बुरड़कर को जैसे ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया वैसे ही हमारी लेडीज अधिकारी वहां पहुंची और तुरंत जख्मी शोभा बुरड़कर को अस्पताल में दाखिल किया और अभी हमने शोभा बुरड़कर के इस हादसे के वजह से आरोपी मुन्ना बुरड़कर को गिरफ्तार किया है और पुलिस स्टेशन को कलम 307 IPC के तहत दाखिल किया है। झारखंड में गुमला जिले के सदर थाना इलाके के कोना टोली तेलगांव गांव में एक 20 वर्षीय युवक कृष्णा लोहरा ने गरीबी से तंग आकर अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कृष्णा लोहरा SS+2 हाई स्कूल में इंटर फर्स्ट ईयर का छात्र था और मजदूरी करके पढ़ाई कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा लोहरा का पूर्व में सड़क हादसे में पैर टूट गया था, जिससे लाचार व बेबस था, जिसके बाद मां दुलारी देवी मेहनत मजदूरी कर बीमार बेटे का इलाज किसी तरह से करती थी, साथ ही परिवार का भरण पोषण भी करती थी। गरीबी और परिवार की लाचारी तंगी को देख छात्र कृष्णा लोहरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। वही जिला प्रशासन की माने तो जिले के मुखिया के समक्ष कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन प्रशासन मदद के लिए आगे नहीं आई। घटना की सूचना पर अंचल अधिकारी महेंद्र कुमार पहुंचे व मृतक के परिवार को 2000 रुपए सहायता राशि दिए। आत्महत्या के लग हमें ठीक उतना कुछ खर्चा उर्चा नहीं चलत रहे। मोर माए छोटे पहर हमें रही से पहर मोर बाप मर गलग और है कि मोर माए मजदूरी करत रहे और पैसा कौड़ी 200 मिलत रहे हर रोज तो कैसे घर में नहीं चलत रहे। सेल मोर भाई आत्महत्या कर लग चिंता से लोग को तो ऐसा किसी भी थाना का भी गए थे लोग बड़ा बाबू लोग उसमें कुछ ऐसा नहीं। वो लड़का बहुत ही शरीफ लड़का है, उसका पैर भी है वो डैमेज है इसलिए किसी तरह का लफड़ा में तो रह नहीं सकता है। अगल बगल का मोहल्ला का लोग भी बताया सब चीज़ कि नहीं इस सब में कुछ नहीं, लड़का बहुत ही सीधा था लेकिन उसका पैर 2-3 साल से डैमेज था। उसको रड उड भी लगा था, उसका ऑपरेशन हुआ, आपका सिमडेगांव भी इलाज चला, गुमला भी चला, काफ़ी पैसा खर्चा। उसकी माँ बेचारी रेजा कुली का काम करती है इसलिए ऐसा तरह का लड़का नहीं, लड़का बहुत शरीफ है। झारखंड के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के धनवार पावर हाउस के पास हाईवा और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को ग्रामीणों ने धनवार रेफरल अस्पताल में लाया, जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखकर महिला को रांची रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रोहित रविदास धनवार बाजार से घर जा रहा था। इसी बीच पावर हाउस के पास सरिया की ओर से आ रही ओवरलोड हाईवा से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण दोनों देवर भाभी सड़क पर गिर पड़े। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गिरते ही युवक ने वही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक में सवार मृतक की भाभी रंजू देवी सड़क पर ही तड़पती रही। पुलिस घटना स्थल पहुंचकर हाईवा तथा मृतक को अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार के शेखपुरा में दहेज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का कमान स्कूली लड़कियों ने थाम लिया है। स्कूली बच्ची हाथ में तख्ती लिए और उस पर दहेज के खिलाफ लिखे स्लोगन हर आने जाने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है। बरबीघा से शुरुआत की गई जो पूरे जिले और उसके बाद राज्य स्तर पर अभियान को ले जाने की तैयारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।